हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल टोटल स्टडी क्लासेस। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले एसएससी जेडी कांस्टेबल, जो गर्ल्स फीमेल कैंडिडेट होती है, जो महिला कैंडिडेट होती है, वो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है। उनका कंफ्यूजन ये रहता है कि उनका जो फिज़िकल टेस्ट होगा उनमें उनकी एज क्या होगी, देन उसका लंबाई क्या होगी, उनकी बढ़ाई क्या होगी और उनकी जो रेश होगी वो क्या होगी। सो गाइस, इस वीडियो में आप लोग का सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा अगर आप लोग मेरे वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा तब। और इससे पहले आपको ये बता दें, अगर आप लोग मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उम्र के बारे में, मीन्स एज के बारे में। सो गाइस, जो फीमेल कैंडिडेट का एज होता है वो जनरल कैटेगरी का 18 से 23 के बीच होता है, एंड जो ओबीसी कैटेगरी का रहता है उनका 3 इयर्स का छूट मिलता है, और जो एसटी एससी कैटेगरी का रहता है उनका 5 ईयर का छूट मिलता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, जो जनरल कैटेगरी के गर्ल्स होंगे उनका 18 से 23 के बीच में लिया जाएगा, जो ओबीसी कैटेगरी के गर्ल्स होंगे उनका 3 ईयर उनको छूट मिलेगा, और जो एसटी एससी कैटेगरी के होंगे उनका 5 साल का छूट मिलेगा। सो गाइस, एज का तो बात हो गया, अब हम लोग बात करते हैं फिज़िकल। जो गर्ल्स का फिज़िकल होता है जिसमें उनका हाइट का जो लिया जाता है, उनका हाइट जो फीमेल गर्ल्स की होती है, जिसमें से जनरल ओबीसी एंड एससी का जो हाइट लिया जाता है वो 157 सेंटीमीटर लिया जाता है। जो एसटी कैटेगरी के जो गर्ल्स होती उनको थोड़ा छूट मिला जाता है, मिनिमम 2 इंच का छूट मिला जाता है, तो उनका 2 सेंटीमीटर उनका हाइट लिया जाता है, जिसमें से उनका जो रनिंग रेस होती है उनका 1.6 किलोमीटर रनिंग होती है, जो 8.5 मिनट्स में होती है। उसका मतलब 8.5 मीन्स से 9th का हाफ उनका रनिंग होती है। इससे पहले आपको ये बता दें, जो एज लिमिट है उनका मैं आपको पूरा डिटेल्स में बता रही हूँ। सो गाइस, आप लोग प्लीज़ वीडियो में बने। तो जो एसटी एससी कैटेगरी के रहते हैं उनका तो पहले मैं बता चुकी हूँ, फिर भी जो 2021 में जो कैंडिडेट जो 2022 तक जो फॉर्म अप्लाई किए उनके लिए मैं बता दूँ, जो उनका कैटेगरी बाई कैटेगरी जो जनरल कैटेगरी के वो उसको तो मैं बता चुकी हूँ, जो जिसका 18 से 23 के बीच उनका लिया जाता है, जो ओबीसी कैटेगरी के उनका 3 साल का छूट दिया जाता है, देन जो एसटी एससी कैटेगरी के उनका 5 साल का छूट दिया जाता है, जो एक्स सर्विसमैन है वो भी जनरल में जो आते हैं उनका 5 साल का छूट दिया जाता है, जो एक्स सर्विस है जो ओबीसी में आते हैं उनका भी 5 साल का छूट दिया जाता है। सो गाइस, सॉरी, जो ओबीसी कैटेगरी के आते हैं उनका 10 साल का छूट दिया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं जो रेस होती है वहाँ पे जो फीमेल कैंडिडेट का, उनका पूरा डिटेल्स। जो रेस होती है वो 5 किलोमीटर होती है इन 24 मिनट्स का, एंड जो उनका फुल डिटेल्स होता है वो 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट्स में होता है, तो 1 मिली इन 6.5 मिनट्स एंड 800 मीटर्स इन 4 मिनट्स। सो गाइस, आई होप आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा, जो फिज़िकल टेस्ट होता है वो गर्ल्स का वो 800 मीटर इन 4 मिनट्स में होता है, और 1 मिली इन 6.5 मिनट्स में होता है। और इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो बहुत सिंपल है, बस जो कैटेगरी 10th अगर पास जो कैटेगरी कर चुके हैं उनका वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कैटेगरी नहीं देखा जाता। जो जनरल ओबीसी एसटी एससी के रहेंगे तो ही फॉर्म अप्लाई करेंगे, कोई भी कैटेगरी के रहे वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बस उनका 10th पास होना ज़रूरी है। देन वो कैंडिडेट कम से कम उनका अगर वो 50% से पास है तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, आपको कोई ज़्यादा दिमाग लाने की ज़रूरत नहीं है कि 12th में ये लेना है तो ही हम ले सकते हैं, साइंस के, आर्ट्स के, कॉमर्स के स्टूडेंट है तभी अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको दो चीज़ का ध्यान रखना है इसमें,
एक तो आपका टेंथ पास होना ज़रूरी है, और दूसरा आपका मेडिकल फिट में जो कैंडिडेट का बारे में जो बोली फीमेल कैंडिडेट का, उनका 157 हाइट होना चाहिए, और जो एसटी का है वो उनका थोड़ा सा 2 सेंटीमीटर का छूट मिलता है, तो उनका 155 चलेगा। और जो रेस होती है वो 1.6 किलोमीटर जो 8.5 मिनट में होती है। बस ये दो चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है, बाकी आप लोग प्रिपरेशन तैयार कीजिए और एग्ज़ाम देने के लिए रेडी हो जाइए। और एग्ज़ाम का डेट भी आ चुका है, नवंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट है, 18 नवंबर से, जो दिसंबर के हाफ में ख़त्म हो जाएगा। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।